तो चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इसमें जो 15 नए चेहरे शामिल किए गए उनके बारे में आप विस्तार से पूरी जानकारी देख रहे थे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब की चन्नी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 15 इसमें मंत्रिमंडल में 15 लोगों ने शपथ ली है। चन्नी कैबिनेट में 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली। ये शपथ ग्रहण समारोह आप सीधा प्रसारण इसका देख रहे थे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज है, क्योंकि बस कुछ ही देर में योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। तो अब पंजाब के बाद निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ रहेंगी। चन्नी कैबिनेट का विस्तार हो गया, अब निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ होंगी, क्योंकि आज यहां भी 7 नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं बस कुछ ही देर में। शाम 5:30 बजे का वक्त है जब ये 7 जो नए मंत्री हैं वो योगी मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं। तो आज आप देख रहे हैं किस तरीके से, दिन भले ही रविवार का हो लेकिन सियासी हलचल बहुत तेज है पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक। दोनों ही राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है और उसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं किस तरीके की सरगर्मी और किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। तो ये तो पंजाब की बात हमने आपसे की, विस्तार से पूरी जानकारी हमने आपको दी कि यहां पर कैसे चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कौन कौन से नए चेहरे नजर आए और इन चेहरों के जरिए आखिर किन समीकरणों को साधा जा रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की भी हम बात करेंगे जहां पर कुछ ही देर में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और यहां भी 7 नए मंत्री शपथ लेंगे। ABP News आपको रखे आगे।